नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तनवर शिव ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर की ज्योतिष की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करते हैं चंद्रमा की, चंद्रमा ग्रह की। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस सौरमंडल में जितनी हीट एंड लाइट है उसका एकमात्र सोर्स है सूर्य ग्रह। अन्य सभी ग्रह सूर्य ग्रह से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। अन्य ग्रहों की भांति चंद्रमा भी दोस्तों सूर्य ग्रह से ही अपना प्रकाश प्राप्त करता है। यह पृथ्वी पर अकेला उपग्रह है दोस्तों जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो चंद्रमा है यह है, इसकी दूरी 237,840 मील पृथ्वी से है दोस्तों। और इसका रेडियस 1738 किलोमीटर के आसपास इसका रेडियस है दोस्तों। चंद्रमा सौरमंडल में सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो चंद्रमा है। वह हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और वह अपनी कक्षा में भी घूमता है। और अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर वह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड के अंदर एक पूरा चक्कर करता है। इस ड्यूरेशन को, इस काल को एक चंद्रमास कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा चंद्रमा प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि एक तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जो जिसका कि हमारे तन मन और पृथ्वी पर जितना भी परिवर्तन होता है, जिस तरह से ज्वार भाटा आना, समुद्र की लहरें उठना, इस तरह के जितने भी परिवर्तन पृथ्वी में आते हैं वो भी चंद्रमा के कारण ही आते हैं दोस्तों। दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो अमावस्या होती है। और यही सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने, यानी कि सूर्य चंद्रमा का डिफरेंस जब 180 डिग्री होता है, तब पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण बलि होता है और अपने शुभ फलों को देने की क्षमता रखता है। इसके विपरीत क्षीण चंद्रमा, निर्बल चंद्रमा अपने अच्छे या बुरे कोई भी फल देने में असमर्थ होता है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं कि चंद्रमा बलि कब होता है। दोस्तों शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलि रहता है। इस समय वह अपने शुभ फलों को दे सकने की उसमें सामर्थ्य है। अब दोस्तों बात करते हैं, चंद्रमा दोस्तों सौम्यता, शीतलता, सौंदर्यता का प्रतीक है। इसी कारण से उसको स्त्री ग्रह या स्त्री जाति का माना जाता है दोस्तों। इसका वर्ण श्वेत है और यह है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी है दोस्तों। चंद्रमा का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है दोस्तों, वो उसके या तो मित्र ग्रह हैं या सम ग्रह हैं। सूर्य और बुध चंद्रमा के मित्र ग्रह माने जाते हैं और शुक्र, मंगल, शनि ये सब, बृहस्पति ये सब सम ग्रह में आते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा के कारक तत्वों की। वैसे दोस्तों चंद्रमा के कारक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी मैं 20-25 आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा के कौन कौन से कारक तत्व होते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्त्री, दोस्तों स्त्री चंद्रमा का कारक है। हमारी माता वह भी चंद्रमा का कारक है। यश, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी बुद्धि ये सब भी चंद्रमा के कारक तत्व में आती है। राज्य की कृपा, किसी भी व्यक्ति पर राज्य की कृपा ये भी चंद्रमा का कारक तत्व है दोस्तों। मन, व्यक्ति का मन, व्यक्ति के मस्तिष्क की स्थिति, प्रेम, राग, द्वेष, विचार ये सब भी दोस्तों चंद्रमा के कारक तत्व है। किसी भी इंसान में निर्णय लेने की शक्ति, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, उसकी कामनाएं, उसकी भावनाएं, उसकी वेदना ये सब भी दोस्तों चंद्रमा के कारक तत्व के अधीन आती है। इसके अलावा दोस्तों व्यक्ति का मनोबल, उसमें उत्साह,
उमंग विदेश यात्रा, मध्यम व छोटा कद, सुंदरता, ये सब भी दोस्तों चंद्रमा के कारकत्व के अधीन आती है। दोस्तों वाहन, वासना और जितने भी संसारी सुख हैं ये सब भी चंद्रमा के कारकत्व ही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो श्वेत वस्तु हैं वो भी चंद्रमा के कारकत्व होती हैं, जैसे कि मोती, सीपी, सफ़ेद गाय, चीनी, चावल, चांदी, पनीर, खोया और सफ़ेद वस्त्र, ये सब चंद्रमा की ही वस्तु हैं, चंद्रमा इनका कारकत्व है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लिक्विड पदार्थ की। दोस्तों तेल, घी, दूध, शराब, वर्षा का पानी, तालाब और आपका जल, ये सब दोस्तों चंद्रमा के कारकत्व के अधीन आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा निर्बली है या किसी पाप प्रभाव में है या किसी दुस्थान में है, 6 और 12 भाव में बैठा है, या उस पर किसी मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि है, या किसी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, या 6 और 12 भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो दोस्तों ऐसा चंद्रमा निर्बल हो जाता है और वो अपने अच्छे फल नहीं दे पाता। दोस्तों इस स्थिति में चंद्रमा को, चंद्रमा के कुछ उपाय करके उसको अच्छा किया जा सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा को हम बलि कैसे बनाएं, उसको अच्छा कैसे बनाएं ताकि हम उसकी दशा दशा में उससे अच्छे रिजल्ट ले सकें। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा के पहले कि भाई हम चंद्रमा को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मोती चंद्रमा का यंत्र गले में धारण करने से चंद्रमा के अनिष्ट प्रभाव को शांति मिलती है और वह हमें शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ जाता है। दोस्तों जिन व्यक्तियों का चंद्रमा निर्बल है, किसी भी तरह से निर्बल है, किसी भी तरह से उसमें कोई पाप प्रभाव आया हुआ है, तो दोस्तों वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में इस तरह का चंद्रमा बैठा हुआ है उसको अपनी चारपाई या अगर वो बेड पर सोता है तो बेड के पायों में चांदी की कीलें गाड़ने से उसका चंद्रमा ठीक हो जाता है। दोस्तों और दोस्तों बात कर लेते हैं बहते हुए पानी, जैसे दोस्तों गंगा, यमुना आदि में निरंतर स्नान करने से भी दोस्तों चंद्रमा ठीक हो जाता है, चंद्रमा बलि हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में नीच राशि में है तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा की वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। दान करने से दोस्तों चंद्रमा के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे छुटकारा मिलता है और वह अच्छे फल देने की स्थिति में आ जाता है। दोस्तों दोस्तों अगर किसी कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है दोस्तों तो ऐसे व्यक्तियों को गणपति जी की उपासना जरूर करनी चाहिए दोस्तों और उन्हें लड्डू और भोग लगाकर उसका प्रसाद गरीबों में बांटना चाहिए। अब बात करें दोस्तों और उपाय होगी। दोस्तों जिन व्यक्तियों का चंद्रमा निर्बल रहता है या पक्ष में बलि नहीं है या किसी पाप प्रभाव में है तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को माँ भगवती गौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ भगवती गौरी की उपासना करने से दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा ठीक हो जाता है। दोस्तों सो जिन व्यक्तियों का चंद्रमा निर्बल है वो अगर चावल, चांदी, दूध, दही इन सब का दान किसी गरीब जरूरतमंद लोगों को करेंगे तो ऐसे करने से भी उन व्यक्तियों का चंद्रमा ठीक हो जाता है, बलि हो जाता है। दोस्तों चंद्रमा दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का पीड़ित है तो दोस्तों वह प्रदोष व्रत हर सोमवार को कर सकता है। और दोस्तों जिन व्यक्तियों का चंद्रमा बलि निर्बल है उसको बलि करने के लिए दोस्तों शिव चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें दोस्तों तो भी आपका चंद्रमा बलि हो जाएगा और वह बलि चंद्रमा अपनी दशांतर दशा में आपको शुभ फल देने की स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों दोस्तों बात कर लेते हैं आगे चंद्रमा को अगर दोस्तों आपने ठीक करना है तो एक नवरत्न जड़ित श्री यंत्र अपने गले में धारण करें, ऐसा करने से भी आपका चंद्रमा बलि हो जाएगा और उसके जो बुरे प्रभाव आपको मिलने थे वो ना मिलकर आपको उसके अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा निर्बल है तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी ना कभी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग दोस्तों हमारे
देश में है, उन सबकी यात्रा जरूर करनी चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वह अपने अच्छे फल देने में समर्थ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जिन व्यक्तियों का चंद्रमा नीच का हो, पाप प्रभाव में बलि ना हो, उन लोगों को ओम नमः शिवाय का नित्य प्रतिदिन एक माला जरूर करनी चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से उसका चंद्रमा बलि हो जाता है दोस्तों। दोस्तों जिन व्यक्तियों का चंद्रमा निर्बल है, पाप प्रभाव में है, दुस्थान में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों एक मुखी या दो मुखी रुद्राक्ष या दोनों अपने घर में विधि विधान से पूजा करके स्थापित करने चाहिए। ऐसा करने से उस घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का अगर चंद्रमा वीक है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जिन व्यक्तियों का चंद्रमा नीच का है, वो लोग एक पराग शिवलिंग आता है उसका विधि विधान से पूजा करें दोस्तों। ऐसा करने से भी आपका चंद्रमा बलि हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक और सटीक उपाय है, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा पीड़ित रहता है, उन व्यक्तियों को नित्य प्रतिदिन शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए दोस्तों, और वो भी मंदिर में जाके करें तो बेहतर परिणाम आपको उसके मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों एक सिंपल और उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा निर्बल होता है, पक्षबल नहीं है, पाप प्रभाव में है, उन व्यक्तियों को दोस्तों अपनी माँ का, अपनी सास का, अपनी मौसी का और घर में जितनी भी वृद्ध या ओल्ड एज की महिलाएं हैं उनका सम्मान और आदर जरूर करना चाहिए दोस्तों। और उनकी जितनी आप सेवा कर सकेंगे उतनी करें तो आपका चंद्रमा डेफिनेटली बलि होगा और वह अपने अच्छे रिजल्ट देने में समर्थ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों और एक छोटा सा उपाय हो रहा है कि जिन व्यक्तियों का चंद्रमा निर्बल रहता है, उन व्यक्तियों को सूर्यास्त के बाद और किसी भी सोमवार को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये थे मैंने आपको कुछ 20-25 चंद्रमा के उपाय बताए, इनको करने से डेफिनेटली आपका चंद्रमा बलि होगा और उसके हमें शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी शिव ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फार्मेस्ट्री इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 09654157724। नमस्कार दोस्तों।